देखिए, जब जब आदमी जब तक हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तब तक कांग्रेस के प्रत्याशी अकेले घूम रहे थे। जिस दिन हमारी टिकट डिक्लेयर हुई उसी दिन उन लोगों के आधे हो गए अरमान। जब हमने नॉमिनेशन किया उसके बाद हमने पूरे क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरीके जोश और उत्साह के साथ, हमने भी 1977 से चुनाव देख रहे हैं, मेरे पिताजी वालिद मरहूम सफुल्ला खान जी लड़े, मैंने भी 2009 से लगातार चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरीके का जोश और उत्साह इस बार नॉमिनेशन के उस रैली में रहा है वो अपने आप में इस बात को सबूत था कि लोग वाकई में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो नीति है, उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं जिनको पिछली बार यहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था, वो बौखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, उन लोगों को ये लगता है कि तुम लड़ाने की और भिड़ाने की राजनीति से तुम यहाँ पर अपने आप को कामयाब कर लोगे। लेकिन फिरोजपुर झिरका का मतदाता बहुत जागरूक है, वो अमन चाहता है, शांति चाहता है, विकास चाहता है, लोगों को रोजगार चाहता है और यहाँ पर पानी पीने का पानी चाहता है, इसलिए वो रोजगार और विकास को काम देंगे, ना कि जो है आपस में मनमुटाव फैला करके, दंगे फैला करके किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुने जो उन लोगों के बीच में कभी रहा है। मेरे पत्रकार साथियों, बड़े अफसोस की बात है, आज सोशल मीडिया और मीडिया का टाइम है और आप जैसे साथी हमारे पत्रकार आज बात कर रहे हैं, जागरूकता से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैं आप सबके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, घाटा के अंदर कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ, उनका प्रोग्राम कितना बड़ा था वो सबने देखा है, छोटा सा पंडाल था उसमें जितने लोग थे, लेकिन उसकी जो सोशल मीडिया की जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रचार करते लगातार, और जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने बड़े अफसोसजनक दंगल की फोटो लगा करके उसमें भीड़ पहाड़ में बैठी, जबकि अगर आप अगर जाके देखो ऐसा पहाड़ घाटा में है ही नहीं जहाँ पे लोग इस तरीके से बैठते हैं प्रोग्राम को देखे, मतलब ये बौखलाहट साफ साफ है कि फोटो कहीं किसी और जगह की और उस फोटो को लगा करके कह रहे हैं कि मम्मन खान का समर्थन कर रहे हैं। अरे इनके पास दम है, इनके पास ताकत है, तो आए ना मैदान में, इस तरीके की कहीं दूसरे की फोटो लगा लगा करके अपना प्रचार कर रहे हैं, ये साफ पता है कि ये बौखला चुके हैं, इन्होंने कहीं घबराहट हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के जाते हैं कि मैं लोगों के लिए। अरे लोगों के लिए तो जब अगर आप भड़कली पे खड़े होते, लोगों के लिए तो आप जब नुहों में खड़े होते, 36 बिरादरी को समाज को लेकर के चलते, तब हम मानते कि आप लेता है, आप तो एक भागे हुए डरपोक किस्म के इंसान है जिन्होंने हमेशा ठेकेदारी करी है, अपना पेट भरा है, इसके अलावा आपने जनता के लिए कुछ नहीं। मैं निजी तौर पे जहाँ विकास होता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बूचड़ खाने लगे हुए हैं, साफ साफ हम इनके खिलाफ, मैं खिलाफ क्यों खिलाफ हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर अगर इन्होंने जो इनका जो प्रोटोकॉल है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे, जिस तरीके से आज आप घाटा में जा करके बैठ जाएं शाम को, तो मैं समझता हूँ आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते, मैं उन लोगों की हिम्मत मानता हूँ वो लोग बैठते हैं, इस तरीके से वहाँ पे बदबू स्मेल आती है और ये अनियमितता जो इनके अंदर हो रही है वो निश्चित तौर पर बंद होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको एक बड़ी मजबूती के साथ मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इन बूचड़ खानों से मम्मन खान विधायक मंत्री लेता है, हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई, मम्मन खान उनके सहयोग में खड़ा हो जाता है कि मैं इन बूचड़ खानों को नहीं हटने दूंगा, इससे आप साफ जाहिर पता चलता है कि जनता के लिए उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ पैसे लेने हैं, इन बूचड़ खानों से सबसे पैसे लेता है वो और मंत्री लेकर के इनको यहाँ पे जमवाने का काम करता है। देखिए ये बड़े अफसोस की बात है कि आदमी को किसी को अगर MLA बढ़ाया, विधायक बढ़ाया, तो ये ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, पिछले 5 साल वो विधायक बना के चुन के गए, लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने हमेशा तकबर और घमंड की बात करी और हमेशा फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लोगों की आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ अपनी ठेकेदारी करने के लिए, अपना विकास करने के लिए मुद्दे बढ़ाए और घमंड की उनकी जो आवाज़ आ रही है, जिस तरीके से लोग बताते हैं कि वो घमंडी आदमी, कल परसों एक लड़की उनको माला डालने वाली थी उसको धक्के मार दिए, पूरे इसी समाज के लिए बोलता है कि इनमें से तो बदबू आती है, अरे बाबा पागल ही, हमारे भाई हैं, बराबर के भाई हैं, ये कुरैसी समाज हो, 36 बिरादरी हो, सभी हमारे सब बराबर के भाई हैं, चाहे गरीब है अमीर है, सबको बड़े लगाना चाहिए। तो नसीम जी, लगता है अब की बार झिरका में कमल खिलेगा? निश्चित तौर पर, आप देखिए जिस तरीके का जोश और उत्साह इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए फिरोजपुर झिरका के अंदर लोगों को दिख रहा है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बहुमत बनेगी और भारी जीत होकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो लोगों की